के साथ ही ज़्यादातर भोजपुरी गाना गाते हैं पवन सिंह। पहले तो आपको बता दें कि पवन सिंह को अपना गुरु मानती हैं प्रियंका सिंह। पवन सिंह के बारे में प्रियंका सिंह से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया तब उन्होंने ये कहा कि पवन सिंह के साथ मुझे पहली बार गाने का मौका छलकत बहावरों जवनिया ए राजा से मिला था और इस गाने को सुनते ही मैंने ये कहा कि मैं ये गाना नहीं गाऊंगी, मैं ये गाना पवन सिंह के साथ कैसे गा सकती हूँ। तब जो कि मुझे पवन सिंह ने ही इस गाने के लिए सिलेक्ट किया था, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, हौसला दिया और ये कहा कि तुमसे बेहतर ये गाना कोई नहीं गा सकता। कई बार प्रैक्टिस की और फिर उसके बाद हिम्मत जुटाकर मैंने अपनी पूरी जोर कोशिश से और पूरे शांत मन से मैंने ये गाना गाया और ये गाना एक इतिहास बनकर रह गया। मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरा पहला ही सॉन्ग जो मैं पवन सिंह के साथ गाऊंगी वो इतना सुपर डुपर हिट होगा। वैसे पवन सिंह प्रियंका सिंह को अपनी छोटी बहन मानते हैं और उन्हें ज़्यादातर बच्ची कहकर संबोधित करते हैं और प्रियंका सिंह भी पवन सिंह को उतना ही सम्मान देती हैं। आपने देखा होगा कि प्रियंका सिंह अमूमन पवन सिंह के साथ हर एक गाना, ज़्यादातर गाना प्रियंका सिंह ही गाती हैं। उसके पीछे एक ये कहानी है कि प्रियंका सिंह का सरल स्वभाव सभी को पसंद आता है, फिर वो चाहे खेसारी हो, निरहुआ हो या फिर पवन सिंह। लेकिन पवन सिंह के साथ उनकी जोड़ी इसलिए जमी है कि इन दोनों की जोड़ी ने सबसे ज़्यादा सुपरहिट गाने दिए हैं। प्रियंका आज भोजपुरी में सबसे व्यस्त गायिका है। वैसे प्रियंका को मोस्ट ऑफ लोग कंफ्यूज कर जाते हैं अंतरा सिंह प्रियंका की वजह से, लेकिन जो प्रियंका सिंह के चाहने वाले हैं वो जानते हैं कि अंतरा सिंह प्रियंका कौन है और प्रियंका सिंह कौन है। वैसे पवन का जो भी नया गाना आता है उसके लिए पहली चॉइस सिंगर की प्रियंका सिंह ही रहती हैं। अब देखिए काफ़ी दिनों बाद पवन सिंह लोकगीत लेकर आ रहे हैं तो भी उसके लिए चॉइस कोई और नहीं, प्रियंका सिंह ही हैं। पवन अगर अपना बाहर कोई स्टेज शो करते हैं तो प्रियंका सिंह को ही ले जाना पसंद करते हैं। वैसे प्रियंका सिंह की सादगी, जिस तरह से वो सिंपल वे में रहती हैं और जिस तरह से उनका एक सॉफ्ट नेचर है वो किसी को भी पसंद आएगा, इसलिए तो खेसारी लाल यादव उन्हें अपनी छोटी बहन मानते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।